कोहनी के अंदर दर्द हो रहा है दोस्तों, आखिर ये क्यों हो रहा है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे बैठे, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थरोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। तो दोस्तों, कोहनी का दर्द बड़ा ही कॉमन है, बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, ओल्ड एज के आते हैं, यंग एज के आते हैं, जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, जो प्लेयर्स हैं वो आते हैं, सभी तरह के वर्क में और सभी तरह के प्रोफेशन में, चाहे वो एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, मोटे हो, पतले हो, सब तरह के लोगों को कोहनी का दर्द हो। सो आज हम दो मेन जो कोहनी के दर्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है टेनिस एल्बो। तो दोस्तों, टेनिस एल्बो आपके कोहनी में बाहर की तरफ, यहाँ की तरफ दर्द होता है। दूसरा होता है गोल्फर्स एल्बो, जो इसमें कोहनी के अंदर की तरफ दर्द होता है। सो ये दोनों ही दर्द दोस्तों कई बार रिपीटेटिव एक्टिविटी से डेवलप हो सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर तरह की एक्टिविटी, जैसे कोई टेनिस खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी जिसमें लगातार मूवमेंट हो रहा है, इस कारण ये दर्द डेवलप हो सकते हैं। दूसरा, चोट लगने के कारण भी ये दर्द डेवलप हो सकते हैं, ओवर यूज के कारण भी हो सकते हैं। दर्द होने का मेन कारण ये रहता है दोस्तों कि जो मांसपेशियां होती है, आपको टेंडन्स में कन्वर्ट होती है, जो टेंडन होते हैं वो बोन में लगते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, टेनिस एल्बो के अंदर ये जो लिटिल एपिकोंडल है, इसमें जब ये मसल्स आ रही है तो मसल्स यहाँ पे डैमेज हो रही है इसके टेंडन, तो इन्फ्लेमेशन आता है, इसी के कारण पेन होता है। वहीं मीडियल साइड में अगर इन्फ्लेमेशन हो टेंडन्स के अंदर, तो मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस या गोल्फर्स एल्बो से बोला जाता है। एक बार दोस्तों ये डेवलप हो जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट थिंग होती है वो होती है कि आप उस पर आइस पैक लगाएं, थोड़े दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, पर ज़्यादा दिन रेस्ट नहीं करना, कुछ दिन रेस्ट कर सकते हैं, साथ साथ में आपको स्ट्रेचिंग्स करनी है। तो स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं और आप उस एरिया की मसाज कर सकते हैं। तो एक जो मसाज बॉल आती है, ताइची बॉल या मसाज बॉल, उससे आप मसाज कर सकते हैं जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। साथ में कुछ फोरआर्म की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो कि बड़ी इजी रहती है। स्ट्रेचिंग्स करेंगे, मसाज करेंगे और आइस पैक लगाएंगे, ये कंजर्वेटिव मेथड है। इसके साथ साथ आप कुछ सपोर्टिव डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन के छोटे छोटे पैड्स आते हैं जो टेनिस और गोल्फर्स एल्बो के लिए यहाँ पे लग जाते हैं, तो वो भी कई बार हेल्पफुल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेचिंग और मसाज के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है फोरआर्म की, अगर आप कंप्लीट रिलीफ चाहते हैं। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर फोरआर्म स्ट्रेंथनिंग आती है, जिसके अंदर आप ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ग्रिपर के साथ, या फिर अपनी रिस्ट को आप डंबल से इस तरह से, या एक वेटेड रॉड आती है दोस्तों आजकल, जो आपने जिम में देखी होगी, बड़ी बड़ी रॉड होती है, एक ही जिसमें कोई अलग से बार नहीं लगी होती है, सिंगल रॉड होती है, उसको आप एक तरफ पकड़ के या किसी भी भारी डंडे को एक तरफ पकड़ के आप रोटेशन कर सकते हो। और एक्सरसाइजेज आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप सीख सकते हैं, या फिर हमने कुछ वीडियोस बना रखे हैं पहले के टेनिस और गोल्फर एल्बो में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको मालूम पड़े आखिर किस एक्सरसाइजेज से हमारे ये दोनों ही चीज़ें ठीक हो सकती। अगर 90% लोग इससे ठीक हो जाते हैं दोस्तों, अगर 90% लोग सिर्फ एक्सरसाइजेज से और कंजर्वेटिव मेथड से ठीक हो जाते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने की जरूरत पड़ती है, तो आप पेनकिलर्स भी ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए। अगर आपको इससे असर नहीं आ रहा है, आपने सारी चीज़ें देख ली, एक्सरसाइज कर ली, आपने दवाइयाँ ले ली, आपने मल्टीविटामिन्स भी ले लिया, आपने पेन किलर्स भी ले लिया, इसके बाद भी आपका टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो ठीक नहीं हो रहा है, तो हम इसमें कुछ तरह के इंजेक्शन लगा सकते हैं दोस्तों इसको ठीक करने के लिए। पहला इंजेक्शन आता है स्टेरॉइड का। सो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने से आपका दर्द खत्म हो जाता है और आप लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं और आपके ठीक होने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। पर स्टेरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट होता है स्किन डिस्कलरेशन। जब हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे स्किन पे थक्का सा बन जाता है, वाइट वाइट सा, तो आपकी जो स्किन है वो डिस्कलरेशन होता है, हो सकता है अगर वो स्ट्रेट स्किन तक आ जाए तो। दूसरा, कई बार उसमें टेंडन रप्चर के चांसेस रहते हैं। तो एक बहुत ही सेफ इंजेक्शन होता है जिसका नाम है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये चीज़ आपके खुद के ही ब्लड से बनती है। हम आपके ब्लड को एक स्पेशल PRP वायर में डालते हैं और उसमें से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। वो जो PRP जब हम आपके पेनफुल एरिया जो टेंडन है वहाँ पर इंजेक्ट करते हैं दोस्तों, तो प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर उस चीज़ को हील करते हैं और हील करने से वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो विद द PRP एंड एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग और प्रिकॉशन कुछ लेने पड़ते हैं, इससे आपकी टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होते हैं जिनको सर्जरी की तरफ जाना। अगर आपको इस बारे में कोई भी और डाउट है दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम बता पाएं सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।